की शादी में होता है ना अच्छा खासा रहता है यार। मतलब तो बैंगलोर में शादी देते हैं जो कि होटल वगैरह में होता है, घर में ही शादी, नॉर्मल से छोटा सा मंडप होता है। अब हम लोग इतने जैसे बिहार में शादी इतने में कंप्लीट। ओ भाई मटन बना हुआ है कन्फर्म, अच्छा खासा मटन बनाया हुआ हुआ, यहाँ तक स्मेल आ रही है। चलते हैं घर में, रूम में मतलब। मैं भी जल्दी उठ गया था सुबह, मॉर्निंग में उठ गया, मतलब 5 बजे उठ गया था। जल्दी सोता हूँ जल्दी, मतलब मेरे को चाहिए 6 to 7 hours का नींद, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये महानुभाव अभी तक तो खुला भी नहीं है शॉप वगैरह। एंड वो देखो एक और नमूना है यहाँ पे, गोद में उठा के ला रहा है उसको, खिला रहा करके। और भी फिलहाल ज़्यादा चल तो मेरी आँखों में कुछ चला गया आई गैस। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, एसी ना ब्लॉगिंग। कैसे हो भाई साहब आप लोग? जस्ट भाई वीडियो एडिट करके मैं उठा ही था कि पता चला साइड में शादी वादी का सीन बन रहा है कुछ, आई डोंट नो एक्चुअली ये मतलब क्या बोलते हैं, मुस्लिम कास्ट की शादी है तो मतलब सब कुछ इस साइड में नहीं है, और इनकी शादी में होता है ना अच्छा खासा रहता है यार। मतलब तो बैंगलोर में शादी के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं होता, बैंगलोर में सारी शादियाँ बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, सिंपल तरीके से हो जाती है। बट रिसेप्शन बहुत ही खास देते हैं जो कि होटल वगैरह में होता है, घर में ही शादी, नॉर्मल से छोटा सा मंडप होता है। अब हम लोग इतने जैसे बिहार में शादी होता है वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल शादियाँ हैं। तो चलो दिखाता हूँ कैसे हो रहा है मतलब शादी, सिर्फ अंदर का तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बाहर की तरफ से वो है पर्दा है ना, लेकिन बाहर में नॉर्मल कैसे सजाया गया मैं दिखाता हूँ आप लोगों को शादी के लिए। सो ये देखो गाइस कैसा सजा हुआ रहता है यहाँ पे, मतलब ऐसे ही सजा हुआ रहता है अच्छा खासा, है ना, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मस्त नॉर्मल से खाना पीना हो गया इनका शादी इतने में कंप्लीट। ओ भाई मटन बना हुआ है कन्फर्म है, मटन खतरनाक वाला बनता है इन लोग के उसमें, तो मटन बना हुआ है देखते हैं। थोड़ी हम लोग को बुलाया है क्या यार, बाउंड्री पे पूरा डर भी लगता है। तो अच्छा खासा मटन बनाया हुआ हुआ, यहाँ तक स्मेल आ रही है। चलो सीधा घर में चलते हैं, यही है शादी भाई इन लोगों की, इतना ही सजाया जाता है बस, दैट्स इट, काम ख़त्म, इतने में शादी हो जाता है इन लोगों का। चलते हैं घर में, रूम में मतलब। सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं सिरुक लेकर घुमाने के वास्ते, कहें से कि भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, आज मैं भी जल्दी उठ गया था सुबह, मॉर्निंग में उठ गया, मतलब 5 बजे उठ गया था। जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ, मतलब मेरे को चाहिए 6 to 7 hours का नींद, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है मेरे को। जैसे ही 6 to 7 hours नींद कंप्लीट, जितने बजे तक सोया हूँगा काम ख़त्म, उतने बजे उठ जाऊँगा मैं, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। सी ये महानुभाव अभी तक तो खुला भी नहीं है शॉप वगैरह, और शायद मटर पनीर बनाना है करके, फटाफट चलते हैं देखते हैं क्या है सीन, देखना इस नमूने को। धीरे धीरे सब भौंकना चालू करेंगे, क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये शेरू जो है ना सबकी बैंड बजा के रखा हो इस लड़के ने, सीरियसली बता रहा हूँ। अब वो देखो एक और नमूना है यहाँ पे, गोद में उठा के ला रहा है उसको, क्या हो गया गोद में उठा के ला रहा करके। और भी फिलहाल सामने देख तू, इधर ओवरटेकिंग ज़्यादा चल तो मेरी आंखों में कुछ चला गया आई गैस। अभी फटाफट इसको घुमाते हैं क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा कर लेगा झूठ मूठ का। जाते हैं, लाइट भी नहीं है घर पे, जाते हैं कुछ नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं तैयारी करते हैं किसकी, छोले खी की प्याज बनाना है, छोला और नहीं मटर पनीर बनाना है करके। चलो भाई घर पर मिलते हैं। सो भाई मैं डोसा बनाने लगा हूँ, एक्चुअली सुबह का नाश्ता हो जाएगा उसके बाद मटर पनीर में लगना है, यू नो 3 डोसा हो गया, देखते हैं और कितना बन पाएगा। तो ये हमने डाला थोड़ा सा पानी, थोड़ा तेल किया, काम ख़त्म है ना। और अब एक सेकंड,
भाई साहब देखो अभी डोसा फटाफट बन रहा था, थोड़ा तेल डाल देता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस मेरा पनीर बनाने का प्रोसेस ही मैंने स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली सीन क्या है कि हम लोग थोड़ा पनीर को आज छानेंगे, मतलब हल्का सा। रीज़न बिहाइंड दिस इज कि इसका बाइंडिंग थोड़ा अच्छा हो जाए और उसमें जाते ही मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से वो हो जाए, टूटे ना करके, इसलिए थोड़ा सा तल देंगे ना इसको तो बेस्ट है हमारे लिए। देखो बस खाली जैसे ही थोड़ा ब्राउन हो जाए बस काम खत्म, निकाल देना है। हाई फ्लेम पर तले, थोड़ी देर में तल जाएगा, हर एक तरह से बाइंडिंग बन जाएगा। ये बाइंडिंग चाहिए मुझे, देख सकते हो आप ये वाला, ये जो टूट रहा है ना ये टूटना बंद हो जाएगा एक बार। आराम से करें क्योंकि भाई इसमें सीन बहुत गंदा होता है, टूट जाता है, तो आराम से एक एक करके। ये देख रहा छोड़ रहा है ना, तो यही चीज़ नहीं होगा, एक बार ये अच्छे से वो हो जाएगा। तो चलो बनने देते हैं। फाइनली गाइस रात हो गया, मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाऊंगा अभी, चिकन लेकर आऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो आज का फिलहाल का ब्लॉग करते हैं, बैंड से डू लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल का नाम है देसी ना ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।